हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर मोटोरोला मोटो वन फ्यूजन प्लस को ऑर्डर कर पाया हूँ फ्लिपकार्ट से। गाइस कोई भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, खास करके यहाँ पर जब फ्लैश सेल होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो गाइस ये फ़ोन और गाइस मोटोरोला मोटो वन फ्यूजन प्लस को मैं इस वीडियो में अनबॉक्स करूँगा और साथ में थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा, हालांकि पूरा रिव्यू नहीं, यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन आप कह सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है फ़ोन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केस है यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड आता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो कि मैं यहाँ पर पढ़ता नहीं हूँ, जिसको मैं साइड कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पर साथ में आता है एक चार्जर जो कि 15 वाट का है। मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पर सिर्फ 15 वाट का चार्जर दिया गया है। यहाँ पर अभी जो फिलहाल यहाँ पर जो स्मार्टफोन आ रहा है यहाँ पर 27 वाट 30 वाट का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 15 वाट का चार्जर दिया गया है और साथ में एक यूएसबी टाइप सी केबल दिया गया है। तो वैसे सब कुछ साइड करके स्मार्टफोन को आपको दिखाता हूँ। तो वैसे सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर। तो वैसे इसमें आपको 6.5 इंचेस का एक IPS LCD क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में आता है, और इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जब अगर आप यहाँ पर कोई भी नेटफ्लिक्स का यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो वैसे आप HDR में देख सकते हो। और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 83.3%। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि मेरा ही एक वीडियो चलाया हूँ, हालांकि फुल स्क्रीन करना मैं यहाँ पर भूल गया था, लेकिन अगर आप इसमें फुल स्क्रीन में देखते हो तो गाइस बहुत ही इमर्सिव लुक आता है। तो गाइस आप बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर को लेकर। तो गाइस आपको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक 8nm पर बेस्ड है, और इसमें आपको जो GPU मिलता है एड्रीनो 618 का। तो वैसे अगर आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गेमिंग करते हो, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर पबजी तो नहीं खेला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एसफाल्ट खेला हूँ, तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसफाल्ट में भी कोई भी लैग नहीं है। मैं यहाँ पर हाई सेटिंग में खेल रहा था, लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पर पबजी खेलते हो तो गाइज आप सिर्फ यहाँ पर हाई सेटिंग में खेल पाएंगे, यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइज बात करें यहाँ पर स्टोरेज को लेकर, तो गाइज ये जो फोन है 6GB एंड 128GB वेरियंट है, और इसका प्राइस यहाँ पर 17,500 रुपीज़ मुझे लगा है। और गाइज साथ में आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और गाइस यहाँ पर आपको डुअल हाइब्रिड सिम मिलता है जो कि मुझे एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्लॉट देना चाहिए था माइक्रो एसडी कार्ड के लिए। हालांकि 128GB ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर माइक्रो एसडी लगाना चाहे तो गाइस आप नहीं लगा सकते अगर आप दो सिम यूज़ करते हो। और गाइस साथ में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है जो कि पीछे की तरफ है, और यहाँ पर आपको अच्छा बात है कि 3.5mm का एक हेडफोन जैक भी मिलता है। तो चलिए गाइस आप बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि कैमरा। तो गाइस यहाँ पर मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो बैक कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, और ये है मेन कैमरा। साथ में आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ आता है f2.2 में, और आपको एक मैक्रो सेंसर मिल जाता है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, और साथ में आपको डेप्थ सेंसर मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल का है। गाइस यहाँ पर जो क्वाड कैमरा दिया गया है, मुझे नहीं लगता जो लास्ट में जो डेप्थ कैमरा दिया गया 2 मेगापिक्सल का ये ज़रूरी था, क्योंकि जो 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है इसी में यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा यहाँ पर डेप्थ कैमरा दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वाड कैमरा के नाम पे 2 मेगापिक्सल का कैमरा देना मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर अच्छा ऑप्शन था। और अगर यहाँ पर एक फोर्थ कैमरा देना ही था तो यहाँ पर एक टेलीफोटो दे देते। और गाइस यहाँ पर वीडियो के सेक्शन में आपको 4K 30fps तक मैक्सिमम मिलता है, और इसमें आपको EIS या फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसमें आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड और 60fps दोनों में आप ले सकते हैं। और अगर बात करें सेल्फी कैमरा में, तो गाइस आपको 16 मेगापिक्सल का एक f2.0 एपर्चर के साथ यहाँ पर कैमरा मिलता है, और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि सेल्फी में आप यहाँ पर 4K नहीं ले सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ 1080p या 30fps में वीडियो रिकॉर्ड करने को मिलता है। तो गाइस कैमरा रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ कैमरा सैंपल्स ले आऊँ। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का वो बहुत अच्छा यहाँ पर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे लाइट और यहाँ पर नाइट में हालांकि आप बाद में देखेंगे, यहाँ पर आप डे लाइट में देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पर क्रिस्प फोटो आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अल्ट्रा वाइड दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा ब्लू प्रिंट है, मतलब कि जो पिक्चर है यहाँ पर थोड़ा सा नीला नीला लग रहा है, जो कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर की मदद से इसको फिक्स किया जा सकता है। और यहाँ पर मैक्रो मोड जो है अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रो मोड बहुत अच्छा है, और डेप्थ सेंसर कुछ खास यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर इस बात करें फ्रंट में, तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे की मदद से आप बहुत अच्छे सेल्फी ले सकते हैं। तो गाइज़ आप बात करते हैं बैटरी को लेकर, तो गाइज़ आपको इसमें 5000mAh का बैटरी दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15W का चार्जर। कुछ ये बात मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि 17,500 यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ और सिर्फ मुझे 15W का चार्जर मिल रहा है, क्योंकि बाकी अगर आप कोई भी कंपनी का फ़ोन ले, आप चाहे यहाँ पर रेडमी हो गया या फिर रियलमी हो गया, इन सभी फ़ोन में आपको 27W किसी किसी फ़ोन में 30W तक यहाँ पर चार्जर दिया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि मोटो ने यहाँ पर 15W का चार्जर दिया है।
तो गाइज़ अगर आप 5000 एमएएच बैटरी को अगर आप 15 वाट यहाँ पर चार्जर में चार्ज करोगे तो आप मान के चले कि 1 घंटा 45 मिनट के आसपास पूरा यहाँ पर टाइम लग जाएगा फुल चार्ज होने में। तो गाइस 15 वाट का चार्जर थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हूँ। अगर ये 18 वाट या फिर 27 वाट तक हो जाता तो ये जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देता है यहाँ पर रियलमी 6 को। और गाइस मोटो वन फ्यूजन को लेकर मैं डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाऊंगा और एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू बनाऊंगा और डेडिकेटेड पबजी प्ले भी यहाँ पर बनाऊंगा। तो गाइस अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल में नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे में आपके लिए रोज़ाना हर दिन क्वालिटी वीडियो लाता रहता है। चलिए गाइस मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।